हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ अब तक साथ में कई हिट फिल्म दे चुके हैं। दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद भी आती है। अब आपको बता दें कि ये जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के अनुसार सलमान खान और कैटरीना कैफ जल्द ही अपनी हिट फ्रेंचाइजी टाइगर की अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ मार्च 2021 में टाइगर 3 की शूटिंग शुरू करेंगे। टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 3 शेड्यूल शूट होगी। फिल्म का पहला शेड्यूल मुंबई में ही पूरा किया जाएगा। इस समय सलमान खान बिग बॉस 14 और अंतिम में व्यस्त हैं और कैटरीना कैफ फोन बूथ की शूटिंग कर रही हैं। अपने अपने ये प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी हो जाएगी। मुंबई का शेड्यूल मार्च 2021 में पूरा करने के बाद पूरी टीम मिडिल ईस्ट के लिए रवाना होगी, जहां दूसरा शेड्यूल की शूटिंग होगी। तीसरा और अंतिम शेड्यूल फिर से मुंबई में ही होने की संभावना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टाइगर सीरीज का तीसरा पार्ट पहली दो फिल्मों की तुलना में अधिक भव्य पैमाने में बनाया जाएगा। अभी तक टाइगर 3 में विलन की भूमिका निभाने वाले कलाकार के नाम पर मोहर नहीं लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा, ये पक्का नहीं है कि फिल्म का टाइगर 3 ही होगा, लेकिन संभावना है कि इसे बदला नहीं जाएगा। आज के समय में ये टाइटल चलने वाला है। बता दें कि टाइगर 3 को मनीष शर्मा डायरेक्ट करेंगे। एक था टाइगर का पहला पार्ट कबीर खान ने, जबकि दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा है अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया। अली इन दिनों कैटरीना के साथ एक और फिल्म पर काम कर रहे हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ अब तक 8 फिल्मों में स्क्रीन पर साथ दिख चुके हैं। दोनों ने युवराज, पार्टनर, मैंने प्यार क्यों किया, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी फिल्मों में लीड जोड़ी की भूमिका निभाई है। इसके अलावा कैटरीना बॉडीगार्ड फिल्म के टाइटल सॉन्ग में सलमान खान के साथ नजर आई थी। वेल दोस्तों, आप कितने ही एक्साइटेड इस जोड़ी को एक बार फिर इस मूवी में देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।